हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ के अंदर नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, जिनको हम कंटेनर एलिमेंट्स कहते हैं या स्टैंड अलोन एलिमेंट्स कहते हैं। अब बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है इनके दरमियान कि अगर हम एक टैग को कंटेनर एलिमेंट कह रहे हैं या एक को हम स्टैंड अलोन एलिमेंट कह रहे हैं, तो उनमें एक डिफरेंस क्या है। बेसिकली आपके पास टाइप ऑफ एलिमेंट्स यानी आपके पास दो किस्म के क्या है एलिमेंट्स है, जिनके एक के आप स्टार्टिंग देते हैं और एंडिंग देते हैं। यानी ऐसा एलिमेंट जिसका स्टार्ट टैग भी हो, उसके फिर दरमियान में आप कंटेंट लिखें और उसके बाद उसका एंडिंग टैग भी हो, तो वो कहलाते हैं कंटेनर एलिमेंट। और वो एलिमेंट जिनके स्टार्टिंग हो और उसी के अंदर फिर आप एंडिंग दे दें, यानी वो टैग जो किसी कंटेंट के बगैर आते हैं, उनको हम स्टैंड अलोन एलिमेंट कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कंटेनर एलिमेंट इंक्लूड्स अ स्टार्ट टैग, कंटेंट्स, सब एलिमेंट्स एंड एंड टैग। एंड वाइस वर्सा, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्टार्ट टैग एंड एट्रीब्यूट्स फॉलो बाय द एंड टैग एज विदाउट एनी। सो प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अभी हमने कुछ इतने सारे टैग्स पढ़े नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको सिर्फ सिंपली समझा रहा हूँ कि क्या होता है। तो मैं यहाँ से हमने जो इंडेक्स की फाइल बनाई थी उसको एडिट फॉर्मेट में ओपन कर लेता हूँ नोटपैड पे, और अब यहाँ पर आते हैं। तो देखें, अभी ये जितने भी HTML का टैग हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑन एलिमेंट है, हेड का, बॉडी और ये जो H1 हमने टाइप किया था, ये सारे क्या है, ये आपके पास कौन से एलिमेंट हैं, ये आपके पास कंटेनर एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट हैं, कंटेनर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोड करने लगा हूँ स्टैंडर्ड ऑन एलिमेंट की। लाइक हमारे पास इमेज है, तो इमेज, उसके बाद सोर्स, उसका एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये जो लाइन मैंने लिख रही है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, स्टैंडअलोन एलिमेंट को, और ये जो मैंने ऊपर ये लाइन लिखी है ये रिप्रेजेंट करती है कंटेनर एलिमेंट को। सो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझा कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के एलिमेंट होते हैं और उनमें छोटा सा डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।